मदन राठौड़ ने राज्यसभा चुनाव, पार्टी की नई टीम और बांग्लादेश की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिससे विभिन्न मुद्दों पर भाजपा की स्थिति स्पष्ट होती है। भाजपा नेता मदन राठौड़ ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि जल्द ही पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा और प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के पास राज्यसभा सीट को जीतने के लिए पूर्ण बहुमत है और प्रत्याशी का नाम तय करने का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही किया जाएगा। भाजपा की नई प्रदेश टीम को लेकर मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि नई टीम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ निष्कृतियाँ हैं वहाँ सुधार किए जाएंगे। राठौड़ ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देना है, ताकि संगठन की ताकत और प्रभाव बढ़ सके। पहली बात तो ये है कि हमारे में से एक हमारे साथी सलूम्बर के विधायक माननीय अमृत लाल जी मीणा का असामयिक निधन हो गया है, इसका हमें बहुत दुख है। इसलिए अब वैसे तो मैं तुरंत इस विषय पर कि उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो मैं अभी क्या बात करूं, लेकिन हमारी देखिए राजस्थान सरकार के बजट और केंद्र सरकार का जो बजट है उसकी योजनाओं को लेकर के हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंचेगा। प्रत्येक घर से हम संपर्क करने वाले हैं, वहां उस क्षेत्र में हमने क्या दिया है, क्या किया है, क्या करने वाले हैं, वो सारी सूचना प्रत्येक नागरिक तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार ने भी बहुत योजनाएं दी है, बहुत ताकत दी है राजस्थान को। राजस्थान ने भी आम जन के उत्थान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ दिया है, तो हम उसको लेकर के हमारा कार्यकर्ता भी पहुंचेगा और मैं पूरी पार्टी को एकजुट करके और पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में और विजयश्री प्राप्त करने के लिए हम लोग निकलेंगे और विजयश्री हमको मिलेगी। ये हमारी कोर कमेटी बैठेगी और कोर कमेटी में विचार करके हम प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र को। निर्णय केंद्र को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय करना है। जो भी वो करेंगे, हमारे पास में बहुमत है और हम राज्यसभा में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को भेजें। आप भी तो परीक्षा ही ले रहे हो मेरी, तो परीक्षा में तो और व्यक्ति देखिए जीवन भर विद्यार्थी रहता है, इसलिए मैं भी विद्यार्थी हूँ, राजनीति का विद्यार्थी हूँ। इसलिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं इसको पाथे की तरह साथ में लेकर के चलूँगा, तो मेरे साथ में है। हम प्रत्येक दृष्टिकोण से हम व्यवस्थित रूप से संगठन को और मजबूती प्रदान करेंगे। बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटनाओं पर मदन राठौड़ ने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति संभव नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान में कतई नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, हिंदुस्तान देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय चरित्र पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ ऐसा संभव नहीं है। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हुआ। वहाँ की सत्ता ने भी शायद इस व्यवस्था को समझा नहीं। पहले से मशीनरी होती है जो पहले से सूचना देती है, मैं सोचता हूँ वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। हमारी सरकार को पता था, सावधान थी, जानकारी थी, बॉर्डर को हमने बिल्कुल टाइट कर दिया है। बॉर्डर पर किसी भी आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में भी, आपके चैनल्स के माध्यम से भी आया होगा कि बॉर्डर्स को हमने बिल्कुल सीज किया, संभाला, किसी भी प्रकार का इस प्रकार कागज़ देख करके पे, जैसे हमने कहा है कि प्रताड़ित कोई भी आएगा हमारा बांग्लादेश से भी तो हम उनको लेंगे, ये हमने पहले ही घोषणा कर रखी है। तो हम कागज़ देख रहे हैं, पेपर्स देख रहे हैं कि इनकी आड़ में कोई अवांछित व्यक्ति नहीं आ जाए, हम इसको पूरा निगरानी रख रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये 5 दिन से बिल्कुल निगरानी रखे हुए हैं। डोभाल जी भी और विदेश मंत्री जी भी और रक्षा मंत्री जी भी सारे इस व्यवस्थाओं पर, वो अभी बाकी सब से मिलना जुलना उन्होंने कहा कि नहीं अभी पहले ये व्यवस्थाएं हम देख लेते हैं, बराबर वो संभाल रखे। मैं आपको बताऊं, देखिए जया अमिताभ बच्चन वाला कोई इशू बनना नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी सदस्य को बुलाने के लिए नाम पुकारा जाता है और नाम वही पुकारा जाता है जो नाम हमने लिख के दिया है अपना,
या तो मतदाता सूची में जो नाम होता है हम वही नामांकन में भरते हैं। इसके अलावा भी हमें एक विशेष अधिकार होता है कि हम अपने नाम में कोई परिवर्तन करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा, मूल आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो सकता है, छोटा मोटा लाल राम वगैरह जो कुछ भी होता है तो वो थोड़ा बहुत कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। अब जया जी ने खुद ने अपना फॉर्म भरा तब भी जया अमिताभ बच्चन भरा तो नाम वही पुकारा जाएगा, तो आसन से वही नाम पुकारा गया। उन्होंने ऐतराज़ किया कि मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है, तो आसन ने कहा कि आप चाहें तो ये चेंज करवा सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अमिताभ बच्चन, तो फिर मना किसने किया भाई आपको, न तो खुद ने ही पूछा कि मेरे को ये क्यों पुकारा जा रहा है, फिर खुद ने ही ये कहा। इस विषय पर वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है। फिर उन्होंने लेके कह दिया कि आपका मतलब चेहरा ऐसा हो जाता है, आक्रोश में बोलते हो और आपका टोन ऐसा है, और मैं आप और हम कलीग हैं। मैं सोचता हूँ कलीग शब्द बहुत गलत था, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं जो एक अलग, और राज्यसभा का सदस्य बहुत अलग होता है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, हम कलीग हैं। हमें वो कलीग कह सकती है, उपराष्ट्रपति को और सभापति को कलीग कहना हम नहीं कह सकते हैं, हमारे कलीग है नहीं, वो वरिष्ठ हैं और उनका एक सम्मानित पद है। तो ये बात कहना मैं सोचता हूँ उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर कांग्रेस ने, और विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताऊँ कि वहाँ सोनिया जी उकसा रही थी, जब आसन ने किसी प्रश्न के लिए नाम पुकारा किसी सदस्य का जिसका प्रश्न था, पहला प्रश्न नाम पुकारा, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम मत बोलो। अब वो नहीं बोले और फिर हंगामा शुरू हो गया, कांग्रेस एकजुट होकर के हंगामा करने लग गई। मैं सोचता हूँ कि अमर्यादित था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोकतंत्र की परंपरा है वो निभाना चाहिए। देखिए सत्ता पक्ष विपक्ष सबको अपना अपना दायित्व निभाना है, विपक्ष को अपना विपक्ष की भूमिका निभाना है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, निभाए, हम अपेक्षा करते हैं उनसे कि उनको विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है तो वो अपना दायित्व निभाए। लेकिन वो अब हंगामा करे, मैं सोचता हूँ इससे प्रश्न काल पूरा बर्बाद हुआ, सदन हमारा 12 तारीख तक चल सकता था, कितना पैसा जनता का खर्च होता है एक सदन को चलाने के लिए, कितनी व्यवस्थाएं होती है, इतने प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए पूरी मशीनरी एकजुट होती है, पूरे देश भर की मशीनरी एकजुट होकर के और आंकड़े एकत्रित करती है और वो आंकड़े जनता के सामने पेश करने होते हैं, और उसको बर्बाद करना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। इसलिए जवाबदारी दोनों की है, विपक्ष को तो अपना हक है, अधिकार है, वो लाए, हमारे पास में बहुमत है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, वो लाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई अविश्वास आने का तो सवाल ही नहीं उठता, और यूं अब वो पार्टी अपना काम करेगी। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि वहां की सरकार इस स्थिति को सही तरीके से संभाल नहीं पाई। राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और देश की सीमाओं को कड़ा किया गया है। उन्होंने यह भी कहा गया कि भारत सरकार पीड़ित हिंदुओं को शरण देगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई अवांछित व्यक्ति भारत में प्रवेश न कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जो ही हमको पता चला कि कहीं अतिवृष्टि से पानी का भराव हो गया है, वैसे क्या होता है कि हम थोड़ा सा गलती पहले हो जाती है, वो जो नेचुरल फ्लो जो होता है ना उसमें कहीं रुकावट कर लेते हैं, कोई अतिक्रमण कर लेते हैं, इसके कारण से नेचुरल फ्लो बह नहीं पाता और भराव बढ़ जाता है, कई लोग नीची बस्तियों में अपना आशियाना बना लेते हैं।